हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद एएस। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नए सीरीज को जो होने वाली है प्रोनंसिएशन की सीरीज। सो आपने इंग्लिश तो सीख ली, आपने ग्रामर भी सीख लिया, बट अगर आपने राइट प्रोनंसिएशन यूज़ नहीं किया सो इंग्लिश सीख के कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोनंसिएशन को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे इन ऑर्डर फॉर यू टू स्पीक अ बेटर इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सो आज से हम शुरू करने वाले हैं इस प्रोनंसिएशन की सीरीज़ को। इस कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स की सीरीज़ में हम रोज़ एक नया वर्ड सीखेंगे जो यूजुअली मिसप्रोनाउंस्ड होता है। हम उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, एक एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि हमें इसे इंग्लिश में यूज़ कैसे करना है और कहाँ करना है ये भी हम इस सीरीज में सीखेंगे। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड। सो मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स की सीरीज का पहला वर्ड है फेब्रुअरी। सो फेब्रुअरी के बारे में तो आप सबने सुना ही है, इट इज़ द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, राइट। पर क्या आप इस वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कर रहे हैं? सो द यूजुअल मिस्टेक, द वेरी कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू हियर इज दे प्रोनाउंस द वर्ड फेब्रुअरी एज फेब्यूअरी, बट दैट इज रॉन्ग। फेब्रुअरी में जो आर आता है, एफ ई बी के बाद जो लेटर आर आता है, लोग क्या करते हैं, लोग उसे साइलेंट कर देते हैं, कंसिडरिंग दैट इज अ साइलेंट लेटर, but that is a biggest mistake. February में आपको वो R use करना है and the right pronunciation is February. February. Okay? So February का हम example लेंगे. My birthday is in February, one of the coldest months of the year. So आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपको मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में.